लगे हुए हैं और मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे। दीदी के घर पे आ चुके हैं कीर्तन, और दो मजेरा से आए हैं और दो कोटमा से, बाकी लोग आने तो धीरे धीरे सभी लोग। को अंदर बांधने जाना है, दूध निकालने जाना है, तो ये फटाफट चाय पी रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्परा और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन बरसते हुए पहाड़ों से। और अभी सुबह के 7 बजे मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है काफ़ी जल्दी से। चारों तरफ बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं आप, और बहुत कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है यहाँ पहाड़ों में। आजकल हमारे यहाँ हमेशा बारिश हो रही है, एक दिन छोड़कर एक दिन धूप हो रही है और 4 दिन बारिश हो रही है। तो बारिश की वजह से पहाड़ों पे खूब बर्फ गिर रही है, ऊपर पहाड़ियों पे ना खूब बर्फ गिर रही है। तो मैंने अपने लिए चाय बना दी है, इस ठंड में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 3 बजे है और मौसम थोड़ा थोड़ा खुलने लग चुका है, बारिश बंद हो गई है। और आज दीदी के घर पे कीर्तन है, तो कीर्तन मंडली के लोग भी आ चुके हैं। जी प्रणाम, जी प्रणाम। ये घर का चिमटा है, तो ये भी पहुंच चुके हैं और मैं भी अब थोड़ी देर में वहीं जाऊंगी कीर्तन। दिन भर मौसम ऐसे ही हो रहा है, तभी धूप खिल रही है और तभी बारिश हो रही है, हर समय ऐसे ही हो रहा है। इस समय भी थोड़ा थोड़ा धूप खिल चुकी है, लेकिन भरोसा नहीं है कि अब बारिश हो। ऊपर पहाड़ों पे ना काले काले बादल भी लगे हुए हैं और मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे। दीदी के घर पे आ चुके हैं कीर्तन मंडली वाले। केवल दो मजेरा से आए हैं और दो कोटमा से, बाकी लोग आने वाले हैं। तो जी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कीर्तन की, हाँ दिया जला दिया है। तो धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं।
अंदर पे कीर्तन चल ही रहा है और ये लोग दूर के हैं तो ये लोग चाय पीने लग चुके हैं। तो ये दूर वाले हैं, इन्होंने जाना है अपनी मवेशियों को अंदर बांधे, यानी जो गाय भैंस रखी हुई हैं उनको अंदर बांधे जाना है, दूध निकालने जाना है। तो ये फटाफट चाय पी रहे हैं। चढ़ाई पे भी जाना है बोलो। हाँ तो जी बोले हैं चढ़ाई पे भी जाना है। तो ये तो नजदीक है, तुमने तो भी राल जाना है। अच्छा, तो साथ में दूल्हा जी लगे हुए हैं, नमकीन वगैरह चाय वगैरह वही बांट रहे हैं। क्या आरती चल रही है, एक तरफ गाय भैंसों की चिंता भी चल रही है क्योंकि बाहर ना अंधेरा हो चुका है। बाकी सभी लोग चले गए हैं, हाँ मोहल्ले के रह गए हैं ये, मैं तो यहीं पे हूँ और ये जी लोग भी ऊपर वाले हैं और ये लोग नीचे वाले हैं। तो बाय बाय, जाओ भाई जल्दी। और मौसम ने इस समय तो काफी साथ दिया है, काफी मतलब मौसम बारिश कम कम हो रही है। और इस वाली गाड़ी में जा रही है डोली, तो किसी के बराबर जा रही है। ऐसी बारिश में शादी भी थी,